जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज की जय हो। आज बड़े सौभाग्य का दिन है, सोमवती अमावस्या। सभी को पता है कि पुराणों में इस दिन यज्ञ हवन करने से, दान पुण्य करने से और किसी अच्छे कार्य में लगने से आपको जो पुण्य मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। मैं देवी माँ को आभार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे सौभाग्य मिला। देवी अभिलाषा जी बता रहे थे कि काम के नाते, तो मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति को अगर कहीं जीवन में किसी की सेवा करने का, किसी के काम आने का मौका मिले तो उस मौके पे जितना आप कर सको उससे बढ़ के करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि बहन का है, भाई का है, तो भाई से अपेक्षा हमेशा बहन की रहती है। तो मैं जब भी कभी भी कोई भी काम हो, किसी भी सेवा काम के नाते काम हो या किसी भी तरह का काम हो, तो अपने भाई को याद करना, इसमें बिना कोताही के ना इसका कोई धन्यवाद है। परमात्मा ने आज हमें इतना सक्षम बनाया कि हम किसी के काम आए, तो ये जगत गुरु ब्रह्मानंद जी का आशीर्वाद है। मेरे इसमें कोई इसमें ये नहीं कि ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है कि कोई आपके कोई काम आ सकूँ मैं, तो बस इतना ही मुझे कहना था। और एक छोटी सी विनती करनी थी, प्राकृतिक आपदा त्रासदी आई हुई है, आप सभी को पता है कि चारों तरफ कई जगह बाढ़ में घरों में पानी घुसा हुआ है, तो अपनी तरफ से जो सहायता आप कर सके, जैसी सहायता आप कर सके तो उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। बहुत से परिवार बहुत दुखी हैं, काफ़ी लाखों का नुकसान उनका हुआ है, लेकिन जो जिस तरह से जैसी मदद, कोई भोजन के नाते मदद, कोई किसी तरह के सामान के नाते मदद, कोई कपड़े, कई बार बहुत गरीब मजदूर परिवार के बच्चे हैं, कोई कपड़े अगर कोई देना चाहे, इस तरह के कोई भी दान पुण्य अगर आप करना चाहें, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा। यहाँ हम एक मातृशक्ति बैठी है, पिता तुले बैठे हैं, मेरे यहाँ पे भाई बहन बैठे हैं, तो मैं कहूँगा जितना समर्थ हो तो उससे बढ़कर उन लोगों की सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सत्संग।